अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है सादिक सुल्तान। जी बिल्कुल, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है, मेरा ख्याल है जब से हमारा ये चैनल बना है सबसे अच्छी वीडियो होने वाली है। बहुत ज़्यादा इसकी रिकमेंडेशन थी, लेकिन क्यों ये हमारी नज़रों से ओझल रही, क्यों मैं इस वीडियो को पहले नहीं देख पाया। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की वीडियो, पहले मिलके देखेंगे फिर ही पता चलेगा ऐसा क्या है इस वीडियो में, फिर उस पर करेंगे हम अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन तो प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, गांधीनगर के सेक्टर 22 में ये वही मकान है जिसके आंगन में अब भी रहती हैं देश के प्रधानमंत्री की मां। दो बेडरूम के घर में यही कमरा है। छोटे से कमरे में लगी यही वो खटिया है जिस पर देश के सबसे ताकतवर शख्स की मां सोती है। इसी घर में पूजा करती हैं हीराबा। मेरी मां आज भी 8x8 के कमरे में रहती है, इसलिए मेरे लिए तो आश्चर्य है ही। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे जीवन में कैसे आया मुझे बड़ा अजूबा लग रहा है कि ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं जनता की क्या इच्छा है, नियति क्या इच्छा है, मैं खुद ही सोच नहीं सकता हूँ। ये तस्वीर तब की है जब नोटबंदी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की माँ आम लोगों की तरह बैंक पहुंची थी नोट बदलवाने के लिए। तकरीबन 99 बरस की हीराबा अपनी देखभाल खुद करती हैं। अपने प्रधानमंत्री बेटे को देखने के लिए सिर्फ एक बार हीराबेन दिल्ली आई थी पीएम आवास में। बेटे से मां की मुलाकात तभी होती है जब मोदी गुजरात आते हैं। भगवान ने इन्हें बुद्धि दौड़ाई थी, भगवान बुद्धि शक्ति है पीछे माटे ये कदी पाछो पड़वानों नहीं, अने इन्हें धारेलू सफर थवानों। लोगों के घरों में मजदूरी कर संतानों को पालने वाली प्रधानमंत्री की मां हीराबेन सादगी की प्रतिबिंब है। 6 बच्चों की मां हीराबा कहती है कि उन्होंने एक बेटा देश के नाम कर दिया है। वडनगर में ये वो वृद्धा आश्रम है जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमनाथ मोदी चलाते हैं। 76 साल के सोमनाथ मोदी हेल्थ डिपार्टमेंट में थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। इनका काफी वक्त वृद्धा आश्रम में लोगों की सेवा में गुजरता है। सोमनाथ मोदी घर का खर्च अपनी पेंशन के पैसों से चलाते हैं, गरीबों के लिए सोशल वर्क करते हैं, जो दान में मिलता है उसे जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं। बचपन में वडनगर में खस्ता हाल घर में एक छत के नीचे सोमनाथ ने अपने छोटे भाई पीएम मोदी के साथ गरीबी को करीब से देखा है, झेला है, महसूस किया है। शायद यही वजह है कि आज भी मोदी की कार्यशैली पर कोई सवाल उठाता है तो बड़े भाई करारा जवाब देने से नहीं चूकते। इतने बड़े देश का काम है, कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना है, जादूगर को नहीं। जादूगर को बिठाते हैं तो लकड़ी चला के कर सकते हैं, उनको सोचना पड़ता है क्या नहीं है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सोमनाथ के भाई देश के पीएम हैं, लेकिन सोमनाथ मानते हैं कि उनके भाई पीएम नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। लिहाजा वो किसी काम के लिए आज भी पीएम मोदी के नाम तक की मदद नहीं लेते। मोदी जब भी सोमनाथ से मिलते हैं उनके पांव छूते हैं। परिवारवाद,
भारत को आगे ले जाने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो मुझे लगता है वो परिवारवाद। यूं ही परिवारवाद पर प्रहार नहीं करते प्रधानमंत्री, राजनीति में परिवारवाद पर चोट करने की ताकत देता है उनका परिवार। उसी परिवार के दरख्त की एक शाखा है अमृत मोदी, सत्ता के शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी के सहोदर बड़े भाई। 70 के पार उम्र है। चंद बरस पहले तक अमृत भाई मोदी एक प्राइवेट कंपनी में लेंथ मशीन के ऑपरेटर हुआ करते थे। जब नरेंद्र मोदी गांधीनगर के मुख्यमंत्री दफ्तर में बैठकर सूबे को चलाते थे, तब अमृत भाई फैक्ट्री के लेंथ मशीन को ऑपरेट किया करते थे। 2005 में अमृत भाई की तनख्वाह महज 10,000 रुपए थी। अब रिटायर हो चुके हैं, चकाचौंध से दूर अहमदाबाद के घाट लोधिया इलाके में रहते हैं। 4 कमरों के मकान में अमृत भाई का वक्त अपनी पत्नी चंद्रकांता बेन और बेटे बहू के साथ गुजरता है। अमृत भाई के पास वो स्मृति चिन्ह है जो इन्हें नरेंद्र मोदी के भाई होने का एहसास कराता है। पीएम मोदी जब अमृत भाई के साथ रहा करते थे तो वो इसी आयरन से कपड़े की इस्त्री किया करते थे। बड़े भाई ने इस आयरन के साथ साथ एक पंखे को भी सहेज कर रखा है जिसे नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते थे। ये हैं संजय मोदी, नरेंद्र मोदी के अपने सगे भतीजे और अमृत मोदी के बेटे। आईटीआई पास कर चुके संजय अपनी लेथ मशीन पर छोटे मोटे कल पुर्जे बनाते हैं। संजय के परिवार का कोई सदस्य अब तक हवाई जहाज में नहीं बैठा है। प्लेन में उड़ना तो दूर, हवाई जहाज को अंदर से भी नहीं देखा है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमृत भाई और संजय का परिवार सिर्फ 2 बार उनसे मिला है। एक बार 2003 में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने गांधीनगर के अपने घर में पूरे परिवार को बुलाया था और दूसरी बार 16 मई 2014 को जब बीजेपी ने लोकसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, तब मोदी अहमदाबाद में थे। मेरे घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। संजय कहते हैं जब वो काका मोदी से मिलेंगे तो उन्हें उनका इस्तेमाल किया हुआ पंखा और इस्त्री जरूर देंगे। पीएम मोदी से मिलता जुलता चेहरा, मोदी जैसी चाल ढाल, ये पीएम मोदी के दूसरे भाई प्रहलाद मोदी हैं। भाई देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन भाई के पद और प्रतिष्ठा से प्रहलाद मोदी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अहमदाबाद में उचित मूल्य की दुकान चलाते हैं, राशन की दुकान से ही गुजर बसर करते हैं। पीएम मोदी की तरह कड़े फैसले लेने में माहिर हैं, खुद दुकानदार हैं, इसलिए छोटे और मझोले कारोबारियों के हक की लड़ाई भी लड़ते हैं। मौजूदा वक्त में राशन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। माली हालत अब भी सामान्य है, इसलिए भाई की सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलने से नहीं चूकते। गरीबों के पेट पे और गरीबों को मजबूरन 21 से 23 रुपये में गेहूं खरीदने के लिए और 27 रुपये में चावल खरीदने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं। ये हीन प्रकार की पद्धति है। बचपन में प्रहलाद मोदी ने भी पीएम मोदी के साथ फांके झेले हैं। भाई देश का पीएम है, लेकिन अब भी घर के हालात रोज कमाकर खाने वाले ही हैं। उचित मूल्य की नीति को लेकर 18 जुलाई 2017 को प्रहलाद मोदी भाई की सरकार के खिलाफ धरने तक पर बैठ गए थे। चाय वाला बैठ गया, कैसे बैठ गया? उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है कि गरीब मां का बेटा उनको अंग्रेजों ने जो विरासत में दी थी उस राजगद्दी पर बैठ कैसे गया। जब तक आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नहीं समझोगे, आप ये चाय वाले को दिन रात गाली देते रहोगे। पीएम मोदी को यूं ही अपनी ईमानदारी पर गुमान नहीं है। आज भी उनका परिवार आम इंसान की जिंदगी बसर कर रहा है। इनसे मिलिए, ये पीएम मोदी के सबसे छोटे भाई पंकज मोदी हैं। पंकज मोदी गांधीनगर के सेक्टर 22 के इस साधारण से घर में रहते हैं जहां मोदी की मां हीरा बा भी रहती हैं।
पंकज मोदी की पत्नी सीता बेन है जो घर का पूरा कामकाज खुद करती हैं। पंकज मोदी गांधीनगर में ही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट से पहले पूरा परिवार एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहता था। नौकरी के बाद पेंशन के पैसों से ही पंकज घर चलाते हैं, साथ ही समाज सेवा करते हैं। परिवार की माली हालत आज भी सामान्य है, लिहाजा साधारण परिवार के पंकज मोदी को जब किसी सोशल प्रोग्राम में कोई गेस्ट के तौर पर बुला लेता है तो वो हैरान हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में गिना जा रहा है। पंकज मोदी की माली हालत खुद इतनी अच्छी नहीं है लेकिन अपने बड़े भाई सोमनाथ मोदी की तरह ही गरीबों के लिए सोशल वर्क से चंदा जुटाते हैं। शायद ये परिवार आज भी गरीब और गरीबी की पीड़ा को समझता है। बहन के लिए दुनिया क्या कुछ नहीं करती है, ये बसंती बेन है, पीएम नरेंद्र मोदी की इकलौती बहन। बसंती बेन अपने परिवार के साथ अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर विशनगर में रहती है। मोदी के जीजा हंसमुख बेन LIC में काम करते थे लेकिन अब रिटायर्ड हो चुके हैं। बसंती बेन एक हाउसमेकर है, घर का पूरा काम करती है। आज तक पीएम मोदी से इस परिवार ने कोई मदद नहीं मांगी। पीएम मोदी ने भी कभी बहन के परिवार के बारे में किसी को नहीं बताया। मोदी के जीजा और बहन आज भी बेहद साधारण जिंदगी जीते हैं। जी, कहा जाता है कि जो परिवार है बहुत ही सादा जीवन जीता है। नरेंद्र मोदी ने भी कभी अपने परिवार को इस तरह से हाईलाइट नहीं किया। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में भी लोगों की भीड़ में उनकी बहन वासंती बहन खड़ी हुई है और आप बता रही हैं कि मोदी जी ने जैसे आपको देखा उन्होंने तुरंत आपको बुला के गले लगाया। बुलाए और गले लगाया, तब जाके लोगों को पता चला कि आप उनके सिस्टर हैं। नहीं, वो उस वक्त तो किसी को नहीं पता कि उसकी बहन आई। बसंती बेन की शादी के बाद मोदी अक्सर अपनी बहन से मिलने जाते थे लेकिन परिवारवाद से दूर पीएम मोदी अब बहन के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ये परिवार आज भी छोटे मोटे काम कर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। सचमुच मेरे भाइयों और भतीजों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि वो साधारण जीवन जी रहे हैं और कभी मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करते। आज की दुनिया में ये वाकई दुर्लभ है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों कहते हैं, इसे समझने के लिए जरा इस शख्स से मिलिए। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते भरत भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री के चचेरे भाई हैं। सात समंदर पार जाकर मोदी जब बड़े बड़े स्टेज पर बोलते हैं, दिग्गजों के बीच उठते बैठते हैं, तब भी मोदी के ये भाई वडनगर से 80 किलोमीटर दूर पालनपुर के पास लालवाड़ा गांव में एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। महीने में 6,000 रुपए कमाते हैं और 10 दिन पर घर आते हैं। भरत भाई की पत्नी रमीला बेन घर में ही किराने का सामान बेचकर 3,000 रुपए की कमाई कर लेती हैं। अब जरा प्रधानमंत्री मोदी के एक और भाई से मिलिए। दुकान में बैठे इस शख्स का नाम अशोक मोदी है। वडनगर के घीकांटा बाजार में एक ठेले पर पतंगे पटाखे और कुछ खाने पीने की छोटी मोटी चीजें बेचते हैं। चंद बरस पहले तक यहीं पर ठेला लगाने वाले अशोक भाई ने अब 1500 रुपए किराए पर दुकान ले ली है। इस दुकान से हर महीने 4,000 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा पत्नी वीणा के साथ एक जैन कारोबारी के यहां काम करके करीब 3,000 रुपए जुटा लेते हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपने परिवार के बारे में बोलते बोलते अतीत में गोता लगाते हैं उनके अंदर भावुकता का सैलाब उमड़ पड़ता है। पीएम मोदी के एक एक शब्द में उनके परिवार की गुर्बत झलकती है। मां से आगे अगर मोदी के परिवार की बात करें तो नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी 6 भाई थे। पीएम मोदी खुद 5 भाई और एक बहन है। पीएम मोदी के चचेरे 17 भाई बहन हैं। मोदी के दो चाचा कांतिलाल और जयंतीलाल शिक्षक थे। हिमालय से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने एक चाचा के पास ही काम करने गए थे जो उस वक्त कैंटीन चलाया करते थे अहमदाबाद में। अब भी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी उन दिनों को याद करते हुए अपने चाचा का जिक्र जरूर करते हैं, हालांकि अपने रिश्तेदारों से कभी मुलाकात नहीं करते। को
कोई कोई अल्फाज नहीं है सच में इस वीडियो के लिए, इस बैकग्राउंड के लिए, इस सारे परिवार के लिए। सच में कुछ ऐसे अल्फाज मैं जुटा ही नहीं पा रहा कि मैं किस तरह से तारीफ करूं। इस दौर में, इस मारामारी के दौर में कोई है ऐसा दुनिया के कोने में जो इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, और वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्राइम मिनिस्टर है जो इतनी गरीबी से निकला है, लेकिन उसके बावजूद उसका परिवार अभी भी वही साधारण जिंदगी गुजार रहा है। वो मजबूर नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? महलों में रह सकते हैं, जैसे हमारे वो नवाज शरीफ रहते नहीं लंदन के फ्लाइट्स में, फ्लैटों में, इतने महंगे अरबों रुपए के, और पूरे के पूरे परिवार वहां पे जाके अयशियां मारते हैं। हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी और उसका पूरा खानदान एक भुट्टो की कमाई पे आज भी अयशियां नहीं कर रहा। हमारा एक जो इमरान खान 36 एकड़ के घर में अपनी अयशियों की जिंदगी नहीं गुजार रहे। कोई एक मुझे इस लेवल का बंदा बता दे, पूरे पाकिस्तान में खंगाल दो पूरी पाकिस्तान की सियासत को, एक बंदा सामने आ जाए तो मैं भी उसको भी सलूट करूंगा, उसके लिए भी मेरी आंख से आंसू निकलेगा। क्या कमाल ही जिंदगी आप जी रहे हैं मोदी जी, आपको सलूट है। आप कोई आम इंसान नहीं है, यकीन करें, बिल्कुल भी ये दिल से निकले हुए अल्फाज हैं। आप कोई आम इंसान नहीं है, आप बिल्कुल फरिश्ता हैं उन लोगों के लिए जिनके जिनके देश के आप प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको ही आपने अपनी ज़िंदगी बना लिया। आप अपने रिश्तेदारों के लिए टाइम तक नहीं निकाल पाते, आप इतना वक्त देते हैं अपने लिए, अपने लोगों को, अपने देश को, और फिर जब कोई हम यहाँ से बात सुनते हैं, चाय वाला आ गया, बहुत होती है, चाय वाले ने ये कर दिया, चाय वाले ने देखो कैसे रंग बदल दिए हैं अपने मुल्क के, अपने लोगों के, पूरा हिंदुस्तान सीना चौड़ा करके फिरता है किस बिना पे, एक शख्स, और वो कौन सा है, वो एक चाय वाला जिनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे और वो लोगों के घरों में काम करती उनकी माँ, तो क्या ही उनकी लाइफ उन्होंने गुजारी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसी माओं को सलूट है, ऐसे माँ बाप को सलूट है, ऐसे माँ बाप को ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए कि जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, फिर उनकी ऐसी परवरिश की। एक आप दे ही नहीं सकते, आप ट्रिब्यूट कुछ भी नहीं, आप क्या दे सकते हो उनके बदले में, कुछ भी नहीं कर सकते ना उनको। अल्फाज खराज अकीदत ही पेश करते हैं, खराज तहसीन ही पेश कर सकते हैं अल्फाज के तहत। लेकिन ये देखें कि मोदी जी तो कमाल, उनकी परवरिश में कमाल है, लेकिन उनके जो बाकी जो बहन भाई है वो भी कमाल है। भी आज तक देखे इस चीज का जो है ना जायज फायदा उठाने की, क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, हालांकि हमारे यहाँ ये जो MNA MPAs होते हैं उनके जो कच्चे चमचे होते हैं ना, वो भी अरबों की जायदादें बना लेते हैं, उनके रिश्तेदारों की अरबों की जायदादें बन जाती है, वो तो अलग से होते हैं ना। ठीक है, एक MNA MPA वो तो अलग है ना, उसके तो जो काट वाट है, जो उनका जो दबदबा रोब है वो अलग से है। ठीक है, अब ये देखिए कि सिर्फ एक जो हमारा जो यहाँ पे MNA है, ये फैजुल्ला कमोका साहब, ठीक है, वो बदकिस्मत है, उनके इलाके में मैं जॉब करने जाता हूँ, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों के घर में मिलने के लिए आते हैं। ठीक है, तो मिलने के लिए क्या आते हैं, 15 से 16 जो होते हैं गन लाल लेस होते हैं, और सारी सड़क जो है ना गली बंद कर देते हैं। जो मस्जिद के आने जाने वाले लोग हैं उनको भी रास्ता बदल के आना पड़ता है जी, कमोका साहब जो है ना वो मिलने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, और ये वो कमोका साहब हैं जिनको कोई सलाम लेना पसंद नहीं करे। क्यों क्यों इतने ये अकड़ और गरूर में ये लोग आ जाते हैं, समझ से बालातर है। और इन्हीं कमोका साहब की वजह से आज आप हम देखें कि हमारा जो बाईपास चौक है उसकी उस तरफ जो सड़क है वो ऊंची कर दी गई, और जो इस तरफ उनके रिश्तेदारों का पंप है उस तरफ वो नीचे कर दी गई, और सारे का सारा पानी वहां पे बारिश का रुका हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक MNA की ये मैं बता रहा हूँ, और आगे जो उनके जो नीचे कच्चे चमचे हैं वो अलग से है। ठीक है, तो वहां पे मोदी एक प्राइम मिनिस्टर, दुनिया की 5वीं बड़ी मुईशत का प्राइम मिनिस्टर, और उसकी जिंदगी देखे, उसके लाइफ स्टाइल देखे कि उसने आज तक अपने हम वतनों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने रिश्तेदारों को जो है ना, परिवार को जो है ना, वो पीछे किया हुआ है। उनको मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, और गरीबों के लिए मिलने के लिए उनके घरों तक जाते हैं, वहां पे उनके इलाकों में जाते हैं, वहां पे खुशहाली लेके आ रहे हैं, उनके लिए बहुत से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वो सब कुछ कर दिया है कि जो कभी हमारे सलाफ की मिसालें होती थी।
कि हम पढ़ते थे कि हमारे यहाँ भी एक जो है ना हजरत उमर फारूक हुआ करते थे, फिर उसके बाद उमर सानी खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज हुआ करते थे, लेकिन आज वो मिसालें जो हैं वो हमें हिंदुस्तान में मिल रही हैं मोदी जी की शक्ल में। कि देखिए कि जो हुक्मरान अपनी राया अपने मुल्क की तकदीर बदलते हैं उनके घरों में जाके देख लिए, वो बुजुर्ग जो सियाने कहते हैं कि मलाह के हुक्के में पानी नहीं होता, वो आज मोदी जी को देख के भी ये हमें देखने को मिल रहा है प्रैक्टिकली कि एक लीडर जो अपने मुल्क के लिए अपनी आवाम के लिए जीता है उसको अपने परिवार की परवाह नहीं करता। और देखिए उससे बढ़कर मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा लेकिन उनके जो भाई बहन है उनकी भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने कभी भी इस चीज से नजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, हालांकि एशिया में ये आम रूटीन में है। सबसे ताकतवर खानदान और उसके हालात ये हैं कि आज भी वो पेंशन के ऊपर गुजारा कर रहे हैं और बहुत ही साधारण जिंदगी गुजार रहे हैं, ये और फिर भी उसके बावजूद भी लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी तरफ उनके जो भाई हैं वो अपने भाई ही की हुकूमत के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, वो बैठ जाते हैं और लोगों के हकूक के लिए बाहर निकलते हैं। तो ये मैं तो हैरान रह गया कि वो 25-27 रुपए जो है ना वो गेहूं हुआ तो उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं कि महंगा खरीदना पड़ेगा लोगों को और लोगों की सकत नहीं है। तो यहाँ लोगों की चीखें निकल गई हैं लेकिन फिर भी किसी को टस से मस नहीं है, इतने बगैरत लोग हैं कि आज भी उस पे भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को फ्री आटा दे रहे हैं इस रमजान में। तो क्या ही ये हुकूमत है और क्या ही वो हुकूमत है, क्या ही शानदार वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है और क्या ही यहाँ बेकार लोग हम पे मुसल्लत हैं। तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ये सिर्फ एक बंदे ने सालों आपको पीछे छोड़ दिया है आपको। और जब भी मैं कभी अब बात सुनता हूँ टीवी पे किसी भी हुक्मरान ने, यकीन करें दिल करता है कि बंदा एक जाके जोर से लगाए किसी के कान के नीचे, खुदा का खौफ करो, कुछ ही सीख लो, थोड़ा सीख लो, उस मोदी से सीख लो जिसे आप चाय वाला कहते हो, वो क्या से क्या कर दिया और क्या कमाल आदमी है। और आप क्या हो कि अपने नस्लों तक के लिए आपने पैसा भर के बाहर के फिर भी आपकी हवस नहीं मिट रही। तो बहुत ही जबरदस्त और कमाल की और अमेजिंग वीडियो है, मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल जिसने भी इस वीडियो को तश्कील दिया है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, एक भाई ने कमेंट किया कि जो मोदी साहब हैं वो जो रिएक्शंस होते हैं वो खास करके जो पाकिस्तानियों के उन वीडियोस को देखते हैं, तो यकीन तो नहीं आता कि उनके पास इतना टाइम होता होगा। कहीं शायद हमारी भी वीडियो उनकी कानों तक पहुंचे तो सलाम है सर आपको, आप जैसे शेर बहादुर माएँ कम ही पैदा करती हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।